तो सरकार का जो आवंटन है, सरकार का जो पैसा है, वो व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा है। 10% लोग 50% से ज़्यादा, 60% से ज़्यादा जो सरकार किसी में उसका लाभ उठा रहे हैं। जो गरीब व्यक्ति है उसकी भी तो आर्थिक स्थिति है, वो कहाँ नौकरी कर रहा है, क्या वो कहाँ पे वो है, क्या है उसकी परिस्थितियाँ, ये भी तो जानने की बात है, तो उन तक भी लाभ पहुँचा। मेरे साथ बाराबंकी के सांसद अनुज पुनिया जी हैं। अनुज पुनिया जी, जो आज कांग्रेस कार्यालय लखनऊ पर ये जो न्याय सम्मेलन जो था, क्या था न्याय सम्मेलन और इसका मकसद क्या था? देखिए, राहुल गांधी जी बड़े अरसे से न्याय की बात कर रहे हैं, चाहे वो भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में हो जिसमें किसानों के न्याय की बात की गई हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाई लिखाई के उससे न्याय देने की बात की गई हो, और ऐसे तमाम सारे जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से गरीबों को न्याय देने की, भोजन की सुरक्षा वाली न्याय की बात हो, आज हम कई साल से भागीदारी की न्याय की बात कर रहे हैं, भागीदारी की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं कि जिस वर्ग का आदमी की क्या आर्थिक स्थिति है, क्या सामाजिक स्थिति है, तो वो स्थिति जो है जानने के लिए हमें जातिगत जनगणना की बात हुई है, जिससे सामाजिक न्याय ओबीसी एससी समाज को और गरीबों को भी, चाहे वो किसी समाज का व्यक्ति हो, उसको भी न्याय मिले। तो जो जातिगत जनगणना जो है, इससे फिर जो समाज में जो भी लोग हैं, जो भी उस तबके में आते हैं जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, क्या इन पर असर पड़ेगा इस होने के? कोई असर नहीं पड़ेगा भाई, जिस संख्या के हिसाब से आप जितनी संख्या में हैं, तो सरकार का जो आवंटन है, सरकार का जो पैसा है, वो व्यक्ति तक नहीं पहुँच रहा है। 10% लोग 50% से ज़्यादा, 60% से ज़्यादा जो सरकार की स्कीमें उसका लाभ उठा रहे हैं। तो ये कहने का मतलब है कि जो सरकार स्कीमें बनाए वो इस तरह बनाए कि हर व्यक्ति तक सही उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उन तक पैसा पहुँचे, उनके पास लाभ पहुँचे। तो ये मंशा है जातिगत जनगणना की। जो गरीब व्यक्ति है उसकी भी तो आर्थिक स्थिति, स्वर्ण में जो गरीब व्यक्ति है उसकी भी तो आर्थिक स्थिति है, वो कहाँ नौकरी कर रहा है, क्या वो कहाँ पे वो है, क्या है उसकी परिस्थितियाँ, ये भी तो जानने की बात है, तो उन तक भी लाभ पहुँचेगा। ये तो सवाल पहले भी इस तरीके के जो सवर्ण लोग हैं, जो उनके शुभचिंता के, वो इस तरह से सवाल उठाते रहते हैं कि अभी जैसे भारत बंद का जो ऐलान किया गया था, उसमें भी क्रीमी लेयर का जो बात की गई थी कि जो अगर एससी एसटी में ओबीसी में जो स्टेबल हो चुके हैं अपनी फैमिली से, अब उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, इसका विरोध किया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? ये भी सीधी सीधी बात है। देखिए, आर्थिक स्थिति कभी भी आधार नहीं रहा है एससी एसटी के आरक्षण का, ये स्पष्ट रूप से बाबा साहब ने कहा है, और इसका आप नोट्स भी उठा लें अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले के, तो आर्थिक आधार नहीं रहा है। सैकड़ों हजारों सालों से जो होते आए उत्पीड़न और जात के नाम पे जो छुआछूत है, उसके विरोध में समाज को ऊपर लाने के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था एससी एसटी में की गई थी। तो ओबीसी में क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट ये नहीं हो सकता, क्योंकि सामाजिक आधार है इसका। और दूसरी बात ये है, अगर वाकई में आर्थिक स्थिति अगर आपकी जो है उत्पीड़न है और डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म कर पाती, तो आज की डेट में बड़े बड़े जो सरकारी अफसर हैं वो प्रमोशन एंड रिजर्वेशन एंड प्रमोशन नहीं मांगते। तो कहीं ना कहीं आप आर्थिक रूप से मजबूत भी हो जाओ, तब भी आपके खिलाफ उत्पीड़न हो सकता है, ये है फैक्ट आज के। आज जो यहाँ पे निष्कर्ष निकला वो क्या था? निष्कर्ष की कोई बात नहीं थी, यहाँ पे संवाद की एक बात थी, न्याय के बारे में हम लोग संवाद कर रहे थे कि किस तरह से हम लोगों को वंचित वर्ग की आवाज़ उठानी है, मजबूती से उठानी है, और राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं उसको हर व्यक्ति तक पहुँचाना है, इसी के ऊपर चर्चा हुई। आपको सुन रहे थे अनुज पुनिया जी को, जो बाराबंकी से सांसद हैं। इन्होंने जो राहुल गांधी जो बात करते हैं जातिगत जनगणना की, उसको लेकर के इन्होंने यहाँ पर बात रखी और हमें बताया कि क्यों जातिगत जनगणना जरूरी है, राहुल गांधी क्यों ये बात कहते हैं। आप देख रहे थे लिमरा न्यूज़, कैमरामैन ताहा के साथ मैं सैयद मोहम्मद हसन।